हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सॉलिड वर्क में स्केचिंग एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा कि बिगनर्स स्टार्टिंग में सॉलिड वर्क में स्केचिंग एनवायरनमेंट में मतलब बेसिक क्या कमांड्स यूज करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, ये स्केचिंग एनवायरनमेंट है हमारा, इसमें फाइल्स है, इसमें न्यू फाइल हम यहाँ से लेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। पार्ट बेसिकली हम यूज करते हैं 3D मॉडलिंग के लिए, 3D पार्ट्स क्रिएट करने के लिए। असेंबली में हम उन क्रिएट किए हुए 3D पार्ट्स को असेंबल करते हैं और ड्राइंग में हम उनके डिफरेंट सेक्शनल व्यूज़ को ड्रॉ करते हैं, जैसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं पार्ट एंड ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सपोज दैट हमें एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये इसके लिए हमें ये स्केचिंग टूल बार है, इसमें स्केचिंग टूल्स हैं जो कि लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट, इसी तरह से इसमें जो सर्कल हैं वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल दिए हुए हैं यहाँ पर, सर्कल, पेरीमीटर सर्कल, ये स्प्लाइन, रेक्टेंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर दिए हुए हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। अगर हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है तो हम इसमें से एक लाइन लेंगे, उसके बाद प्लेन सिलेक्ट करेंगे कि हमको कोई भी ड्राइंग को बनाने से पहले उसका प्लेन सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज दैट हम फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, देन ओके। अब हम कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे इस प्लेन को नॉर्मल टू द स्क्रीन करने के लिए। अब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, लाइन कमांड ली। ये जो पॉइंट होता है ये हम कोऑर्डिनेट का ओरिजिन होता है, ओरिजिन को अगर हम कहें तो एक स्टार्टिंग पॉइंट स्क्रीन एनवायरनमेंट में ओरिजिन से ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया जाता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, अब इस लाइन की लेंथ को डिफाइन करने के लिए हम स्मार्ट डायमेंशन टूल का यूज करेंगे, जो जैसे कि स्मार्ट डायमेंशन टूल ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, और मैंने उसके ज़रिए इस लाइन की लेंथ को डिफाइन करना है। तो अभी ये 5.30 की है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसकी डायमेंशन को मैं मॉडिफाई कर दूँगा, सपोज दैट वी वांट टू 10, ये 10 सेंटीमीटर या 10 इंच की हम लाइन कह सकते हैं इसको, लेकिन इसकी डायमेंशन को हमें देखना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और ये अभी हमारी इंच, पाउंड, सेकेंड सिलेक्ट है, इसलिए इस लाइन की डायमेंशन अभी 10 इंचेस है। अगर हम ड्राइंग को इसकी डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगेन अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो हम सर्कल कमांड लेंगे और इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब हम स्मार्ट डायमेंशन में जाकर इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे, डायमीटर हम इसका 20 या 10 अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर हमें कुछ इस ड्रॉ की हुए एनवायरनमेंट से या एंटिटीज में से कुछ डिलीट करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे ट्रिम कमांड, ये ट्रिम कमांड है। इससे पहले मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर जिसको हमें ट्रिम करना पड़े। तो सपोज दैट ये लाइनें हैं जो दोनों लाइनें एक्सटेंडेड हैं, इनको मुझे ट्रिम करना है, तो मैं ट्रिम कमांड लूँगा, पावर ट्रिम पर क्लिक करूँगा, उसके बाद ये ट्रिम टू क्लोज एज लेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन के आउट वाली लाइनें दोनों ट्रिम हो जाएंगी। ये ट्रिम कमांड का यूज रहता है सिंपल स्केचिंग एनवायरनमेंट में, बस यही कमांड ज़्यादातर यूजफुल होती हैं। थैंक यू।